नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से जो गरीबी उन्मूलन की योजनाएं हैं उन योजनाओं को पढ़ा और उन्हीं योजनाओं में जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ योजनाएं और हैं उनका आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। उन योजनाओं की श्रृंखलाओं में जो योजना हम पढ़ रहे हैं वो है जवाहर रोजगार योजना, यानी रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको रोजगार के लिए जो योजना आई वो कौन सी है, जवाहर रोजगार योजना। कब आई? तो ये 1989-90 में योजना आई। इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना रेशो था, 80-20 का, केंद्र का कितना 80 और राज्य का कितना था 20 का रेशो था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रेशो कितना था, 80 और 20 का था। इस योजना में क्या किया गया, तो इस योजना में कुछ परिसंपत्तियां बनाई गई। इन परिसंपत्तियों के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया गया, जैसे पेयजल के लिए कुएं बनाए गए, स्कूलें बनाई गई, दवाखाना बनाए गए यानी हॉस्पिटल्स, इसके अलावा सड़कें बनाई गई, लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त इसके अंदर भू संरक्षण को भी ध्यान रखा गया। और जो काम करने वाले जो लोग हैं उनके पोषण के लिए इसमें आके काम के बदले अनाज भी दिया गया। काम के बदले क्या दिया गया, अनाज दिया गया। इस स्कीम में पहले चली आ रही दो स्कीम जो है, एक है आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, याद करनी है चीजें, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और दूसरी है आपके राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। गारंटी आती है एक्ट बन गया हूं, तो नेशनल जो आपके भूमिहीन का मतलब है जो लैंडलेस है, भूमिहीन जो एम्प्लॉयमेंट आपका एक्ट है, यानी जो नेशनल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है या ये गारंटी एक्ट, ये दोनों की दोनों योजनाएं हैं वो इसमें मिल गई। और 1 अप्रैल 1999 को इस योजना को आपके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY में लग गया। किस में मिला दिया गया, JGSY में मिला दिया गया। तो आपकी यही योजना जवाहर रोजगार योजना लास्ट में जाके किस में मिल गई, JGSY में। अब JGSY जो है वो आगे जा करके और किस में मिल गया, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में मिल गया। कब मिला 2001 में वो देखते हैं। नेक्स्ट परियोजना समझ में आ गई होगी, रिपीट कर देता हूँ। 1989-90 में आई, केंद्र और राज्य का 80 और 20 का रेशो था। क्या क्या काम किया गया, तो परिसंपत्तियों का निर्माण करवाया गया लोगों को रोजगार देने के लिए, पेयजल, स्कूल, दवाखाने, लग ज्यादा ज्यादा यहाँ पे रोजगार की बात की गई। काम के बदले अनाज भी दिया गया। दो पहले की योजनाओं को इसमें शामिल कर लिया गया और जो योजना बनी ये जाके किसमें मिल गई, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में।
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है वो आगे जाके कहाँ मिल गई, संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना में मिल गई। अब हम बात करते हैं अगली योजना जिसमें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जा करके मिल गई। इसमें कौन सी योजना जाके मिल गई, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जिसमें जाकर के मिल गई वो योजना है SGRY संपूर्ण ग्राम संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ग्रामीण या ग्राम, संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना योजना या रोजगार कार्यक्रम। सीधा सीधा सा है संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना। ये जो योजना है वो आपके सितंबर 2001 में आई और इस योजना में दो योजनाओं का समावेशन किया गया। एक तो रोजगार गारंटी एक्ट, रोजगार गारंटी योजना, रोजगार गारंटी योजना एम्प्लॉयमेंट एक्ट स्कीम, एम्प्लॉयमेंट एक्ट स्कीम। दूसरा आपके पहले पढ़ा था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, 99 में वो आ गई जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जय जी सॉरी, दोनों आकर के इसमें मिल गई। अब इन दो, इसका उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें रहने वाले लोग हैं उनको जो रोजगार मिल रहे हैं उनके अतिरिक्त भी रोजगार प्रदान किए जाए, रोजगार जो है उनके अतिरिक्त और रोजगार प्रदान किए जाए और रोजगारों के अतिरिक्त उसमें उन लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान किए जाए। पहला उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार प्रदान किए जाए, साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा आ गया था अधिनियम, खाद्य सुरक्षा आपके 9वीं पंचवर्षीय योजना में, तो खाद्य सुरक्षा भी उनको दी जाए। साथ ही साथ कोई भी स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाए, स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बना रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण की बात कही गई। ये जो योजना है इसमें किसको लाभ दिया गया, तो सबसे पहले जो कमजोर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, इसको लाभ दिया गया। विशेषकर जो महिलाएं हैं इन महिलाओं को लाभ दिया गया। इसके अतिरिक्त जो ऐसे कार्यों में लगे बच्चे थे, जो जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे बच्चे थे, इन बच्चों को जो मुक्त कराया गया बाल मजदूरी से, तो उन बच्चों को जो मुक्त कराया गया उनके माता पिता को, उनके माता पिता को विशेष कार्य दिया गया, क्योंकि जो बच्चे थे जो जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे हुए थे उन बच्चों को हटाया गया तो उनके माता पिता को विशेष कार्य दिया गया। इसके अतिरिक्त जो SC और ST कैंडिडेट्स है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनको भी विशेष लाभ दिया गया। और इस योजना के दौरान आपके पोषण के लिए 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति और 5 किलो अनाज के अतिरिक्त 25% नगद काम का, 5 किलो अनाज और 25% नगद काम का इसमें दिया गया। और इस योजना की बात करें तो संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना ये आगे जाके और 2006 में आपके किसमें मिल गई, मैं नरेगा में मिल गई, महात्मा गांधी नरेगा में मिल गई। समझ में आ गया हो कि सितंबर 2001 में रोजगार गारंटी योजना, एम्प्लॉयमेंट एक्ट स्कीम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये दोनों मिली और क्या बना, संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना। उद्देश्य रोजगार है तो अतिरिक्त रोजगार देना, खाद्य सुरक्षा देना, स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना,
वो कौन कौन सी वर्गों को विशेष लाभ, कमजोर वर्ग तो है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसको लाभ मिलेगा मिलेगा, साथ ही विशेषकर इनमें भी महिलाओं को ज्यादा लाभ दिया जाए और नरेगा में अधिक अधिक जो है लगभग अपना जो आरक्षण है वो महिलाओं का है। जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे हुए जो बच्चे हैं उन जिनको हटा दिया उनके माता पिता को लाभ दिया जाए और एससी एसटी कैंडिडेट को इसमें लाभ दिया जाए 5 किलो अनाज और 25% जो काम का है वो नगद उनको दिया जाए। और लास्ट में इसको किस में मिला दिया गया, महात्मा गांधी नरेगा में मिला दिया गया। इसके बाद जो अगली योजना है डीपीआईपी डिस्ट्रिक्ट पुअर्टी इनिटिटिव प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट पुअर्टी इनिटिटिव प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, पुअर्टी यानी गरीबी उन्मूलन उन्मूलन कार्यक्रम, जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ये क्या है और कब इसकी शुरुआत हुई, तो 22 जुलाई 2000 को विश्व बैंक की सहायता से इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में क्या था कि जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्राप्ति करने वाले लोग हैं या जो गरीबी क्षेत्र गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए कि उन ग्रामीण गरीबों को गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से, किसके माध्यम से, गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के माध्यम से सहायता प्रदान की जाए, किसके माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से उनको सहायता प्रदान की जाए और उनको रोजगार के अवसर दी जाए और रोजगार के अवसरों के माध्यम से उनको क्या किया जाए, सशक्तिकरण, उनमें सशक्तिकरण लाया जाए जिससे एम्पावरमेंट जब उनमें आएगा तो वो अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे और उनकी क्षमताओं में क्या करें हम, वृद्धि करें। तो क्षमताओं में वृद्धि होगी तो सशक्तिकरण आएगा, सशक्तिकरण आएगा तो उनका विकास होगा। इस प्रकार की रूपरेखा जो इस जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से आई, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप बनाए गए, लोगों का समूह बनाया गया और लोगों के समूह को क्या दी गई, आर्थिक सहायता दी गई, कुछ कार्य दिए गए, कुछ प्रशिक्षण दिया गया और उनके आधार पर गरीबी मिटाने के लिए जो आपका ये कार्यक्रम आया, कौन सा, जिला गरीबी कार्यक्रम, जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी को उठाने के लिए ये कार्यक्रम किसकी सहायता से आया, विश्व बैंक की सहायता से। कब आया, 22 जुलाई 2000 को ये कार्यक्रम आया। इसमें उद्देश्य ये था कि जो गरीब वर्ग है उनके लिए गैर सरकारी संगठनों के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों की तरफ से क्या है उनकी क्षमताओं में वृद्धि और सशक्तिकरण और विकास के लिए कार्यक्रम लागू किया जाए जिसके लिए कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप बनाए जाए लोगों के और इनके लिए संगठन क्या करेगा, काम करेगा, उनको रोजगार उपलब्ध करवाएगा। तो समझ में आ गया डीपीआईपी। इसके बाद आके है इंदिरा आवास योजना, नाम लिख देता हूं, वर्तमान वाला प्रधानमंत्री सबको ध्यान हो गई तो आवास योजना पीएमएवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है वो आरंभ में 1985-86 में एक योजना थी, क्या, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना। इस इंदिरा आवास योजना में चिन्हित किया जाता था
कि किनको मकान दिया जाए, तो मकान देने के लिए आपके एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, बंधुआ मजदूर है, इसके अतिरिक्त जो शहीद है, शहीद की विधवा, शहीदों की विधवा अगर नहीं है तो उनके निकटतम संबंधी, निकटतम संबंधी को मकान दिया जाता था। और मकान के लिए इसमें प्रावधान था कि 75,000 रुपए जो आपके पर्वतीय क्षेत्रों में और 70,000 रुपए आपके मैदानी भागों में मकान निर्माण के लिए दिए जाते थे। अब ये जो इंदिरा आवास योजना है ये कन्वर्ट हो गई 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना में। अब इसमें क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के दौरान आपके 1,48,000 रुपए, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, 1,48,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसमें शौचालय भी इंक्लूड है। शौचालय सहित मकान निर्माण की बात की जाती है, तो ये कौन सी योजना है आपकी, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए जो प्रयास किया गया, और इंदिरा आवास योजना में, सॉरी प्रधानमंत्री आवास योजना में काफी कुछ मकान है लोगों को मिले हैं, लोगों ने अपनी आवास की प्राप्ति इसके माध्यम से की है। अभी भी योजना है वो त्वरित गति से संचालित है, कौन सी, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके बाद आपकी अगली योजना है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ये आपके जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आया, ये आया आपके 30 मई 2005 को। इसका उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रीय जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था उसका उद्देश्य मेन था कि लोगों को स्वास्थ्यगत सुविधाएं प्रदान की जाए। लोगों को स्वास्थ्यगत सुविधाएं प्रदान करेंगे तो मृत्यु दर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और मृत्यु दर में कमी के साथ साथ लोग है वो अपने स्वास्थ्यगत सुविधाओं को प्राप्त करके और रोजगार आदि को प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे। इसके लिए योजनाएं कौन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आई, 30 मई 2005 को आई। इस योजना की कुछ उद्देश्य थे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्गों में जो लोग हैं उनको स्वास्थ्यगत सुविधाएं दी जाए, और इन पिछड़े वर्गों में भी जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्गों में विशेष कौन, महिलाएं व बच्चे हैं, उन बच्चों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए। साथ ही साथ दूसरा उद्देश्य था कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम किया जाए, मातृ मृत्यु दर को कम किया जाए। तीसरा उद्देश्य था इसका कि जनसंख्या का स्थिरीकरण किया जाए, जनसंख्या का स्थिरीकरण मतलब जो जनसंख्या लगातार ग्रोथ कर रही है उसको रोका जाए, जो लिंगानुपात में एक अंतर है उस अंतर को भी क्या किया जाए, कम किया जाए, और जो जनसंख्या में एक बड़ा अंतर चल रहा है संसाधन जनसंख्या के बीच में, तो जनसंख्या के स्थानिक स्थिरीकरण करने से वो जनसंख्या जनसांख्यिकी जो संतुलन है वो क्या होगा, बना रहेगा। तो इसका अगला कि जनसांख्यिकी संतुलन को
बनाए रखने के लिए भी इस योजना को मुख्य रूप से लागू किया गया। तो पिछड़े वर्गों में महिलाओं और बच्चों को तो मुख्य स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए इस योजना को लागू किया गया। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करना, जनसंख्या की स्थिरीकरण यानी जनसंख्या वृद्धि को रोकना, और लिंग अनुपात में जो भेदभाव है उसको कम करना या लिंग अनुपात में जो अंतर है उसको कम करना, और जनसंख्यिकीय या जनांकीय संतुलन है उसको बनाए रखना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। कब आई? 30 मई 2005 को आई। कौन सी? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसके माध्यम से ये जब योजना है उसके बाद आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं है उनका काफी प्रसार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में रूढ़िवादिता काफी कुछ हट चुकी है और लोग हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास करने लग गए हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने गरीबी उन्मूलन से जुड़ी कुछ प्रमुख योजनाएं पढ़ी। अगले वीडियो के माध्यम से जो पाठ्यक्रम अनुसार अगली योजनाएं हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।